मजबूरी में लोग क्या क्या एडजस्ट कर लेते हैं भाई। बंदे तीन जा रहे हैं बाइक पर, उसके बाद हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। चालू है ना? हाँ चालू है। अरे फोन तो अभी निकाला भाई, कैमरे में रिकॉर्डिंग देख ले, अपनी फालतू की बकवास कर रहा है यहाँ। सो हेलो रिमॉर्म, स्वागत है सभी का आज के मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे क्यों हो रही है? क्योंकि भाई आज से हमारा एक टारगेट है। टारगेट ये है कि भाई हम ना लद्दाख राइड का प्लान कर रहे हैं, बट लद्दाख राइड के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई बाइक से ही कमाएंगे। तो भाई मैंने ब्लिंकिट ज्वाइन कर लिया, तो अब हम पर डे ये हिसाब लगाएंगे कि डेली कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं और कितने दिनों में लद्दाख राइड का जुगाड़ हो जाता है। तो भाई आज मेरा फर्स्ट डे और अभी भाई सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे ऑफिस खुलता है ब्लिंकिट वाला, तो भाई वहीं चलते हैं, वहीं से ऑर्डर वगैरह रिसीव करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई आज ब्लिंकिट से कितनी अर्निंग होने वाली है। 5:54 हो रही है भाई। तो भाई 6 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, सबसे पहला ऑर्डर पिकअप करने वाले हैं हम लोग। हेलो हाय। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ऑफिस और मैनेजर भाई, तो भाई अपनी आईडी चालू हो चुकी है यहाँ से। तो सबसे पहले भाई स्कैन करना होता है, जैसे ही स्कैन करेंगे हम लोग उसके बाद भाई ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ऑर्डर आ जाएगा। वैसे 6 बजे ऑफिस स्टार्ट है, तो भाई 6 बजे चालू है, अभी 4 मिनट बाकी हैं। तो अभी पहले ऑर्डर का वेट करते हैं, देन उसके बाद भाई देखते हैं पहले ऑर्डर कहाँ का आता है और कितने रुपये का आता है। तो भाई अपने पास है पहला ऑर्डर बच चुका है, आई डोंट नो कहाँ का है, पहले पैक कर लेते हैं उसके बाद में लोकेशन देखते हैं भाई कहाँ का ऑर्डर। ये कुछ इस तरीके से पैक करना होता है, 1-2 पैक, इसके बाद बैग में रखते हैं फिर निकल। तो भाई जो ऑर्डर है ना वो 2-2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, आई थिंक इसी सोसाइटी का ऑर्डर है भाई। सुबह सुबह मुझे लग रहा था कि ऑफिस कोई भी नहीं आया होगा, बट भाई यहाँ तो भाई पूरी भीड़ हो रखी है, तो मतलब आई थिंक 7-8 मिनट मुझे वेट करना पड़ा ऑर्डर का। तो भाई ध्यानपूर्वक ड्राइविंग करेंगे, अभी तो ट्रैफिक नहीं है, बट भाई जैसे दिन निकलेगा मतलब वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ेगा। अभी सुबह सुबह तो भाई अभी रोड खाली मिलेगा। और भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तक जो GoPro चल रहा था ना वो वाइड एंगल में चल रहा था, अब मैंने इसमें सुपर वाइड मोड ऑन कर दिया है। इस चीज़ का मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लग रहा था कि भाई आई थिंक GoPro कम एंगल ले रहा है, बट भाई अब पूरा एंगल लेगा, इसके बाद भाई पूरा मतलब व्यू अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। मुझे क्या है ना कि भाई गलियों में मैप देखना पड़ जाता है, रोड पर तो नहीं देखना पड़ता भाई, किधर किधर कहाँ कहाँ कैसे कैसे। तो भाई गलियों का बहुत बड़ा फंडा होता है ये। और मैम पेमेंट ऑनलाइन देंगे कैश? और पहले ऑर्डर की अर्निंग देखते हैं भाई कितनी हुई, 37, नाइस। तो भाई जो COD का फंडा होता है ना वो, जैसे अब मुझे 220 रुपये मिले और जो कैश हमारे पास में आता है वो हमारी सैलरी में से कट जाता है। मतलब सपोज़ मैंने आज 1600 रुपये काम किया और 1500 मेरे पास में COD आ गई, तो बचे मेरे 100 रुपये ही मेरे उसमें मतलब अकाउंट में आएंगे, और जो 1500 मेरे पास में है वो कंपनी ऑटोमेटिक काट लेती, साथ ही साथ पूरा हिसाब चलता है ऐप में। तो अभी फिलहाल मुझे 37 रुपये मिले और जो ये 220 है ये मैं अपने पास में रखूँगा क्योंकि मेरे 1500 की अभी लिमिट है। ऐसे ऐसे करके अगर मेरे पास में जब 1500 हो जाते हैं या 1500 से ऊपर होते हैं तो मुझे COD जमा करनी पड़ेगी। पैसे की तो कोई दिक्कत करनी नहीं होती इस काम में, पैसे मतलब एक्स्ट्रा ही आ जाते हैं। अभी देखो मैंने 37 रुपये काम किया, 220 रुपये मुझ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब कंपनी के देख लो भाई कितने ज़्यादा मुझ पर पहले ही पैसे आ गए, मतलब कंपनी हमेशा एडवांस जैसा देकर चलती है। और भाई एक चीज़ बतानी भूल गया मैं आप लोगों को कि ये वाला जो ऑर्डर है ये कितनी देर में कंप्लीट हुआ। तो भाई 6:07 पर ये ऑर्डर मेरे पास में आया था और 6:24 हो रही है, 6:26 या 6:27 मान लो भाई ऑफिस तक पहुँचने में, तो भाई आई थिंक 20 मिनट लग गए भाई एक ऑर्डर में। सो भाई मैंने ऑफिस पर आकर ये स्कैन किया था, तुरंत ही तुरंत ऑर्डर बच गया। ऑर्डर भाई ज़्यादा आ रखे हैं और लड़के आज कम है भाई, तो दूसरा ऑर्डर 7:07 बच गया। देखो 26 मिनट तक पहुँच गया मैं ऑफिस पर और 26 मिनट में ऑर्डर बच गया, 1 मिनट में पेंडिंग में चल रहे हैं सारे, इन्होंने निकाल के रख रखे हैं। जब इस तरीके के स्कैनर आए ना आपके पास में तो समझ लो भाई ऑर्डर पेंडिंग में हो रखे हैं। तो ये स्कैन करना होता है यहाँ से स्कैन, अब ऑर्डर ले लो इनसे, कौन सा ऑर्डर भाई जी, ये वाला ऑर्डर देना। तो भाई इसी तरीके से हम सारे ऑर्डर देंगे और भाई कोई बीच में दिक्कत होती तो आप लोगों से मिलते हैं, अदरवाइज़ भाई डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा कि भाई कितने ऑर्डर होगी कितनी अर्निंग होगी। तो भाई जल्दी भाई ऑर्डर मारते हैं क्योंकि भाई सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। मजबूरी में लोग क्या क्या एडजस्ट कर लेते हैं भाई। बंदे तीन जा रहे हैं बाइक पर, उसके बावजूद भी भाई नशे नहीं पकड़ रखी है, मतलब देख रहे हैं भाई किसी ना किसी तरीके से भाई जुगाड़ चलना चाहिए ज़िंदगी में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो भाई उन प्रॉब्लम को सामने ना कुछ जुगाड़ बना के अपना काम चलाओ और अच्छे से आगे बढ़ो। और कई भाई चीज़ों को देखकर नेगेटिव मत हो, ये मत सोचो कि कल क्या होगा, बस अभी ये सोचो कि अभी किस तरीके से जीना भाई। ये लीजिए सर, थैंक यू।
भाई थोड़ी आराम चला लो वरना लुढ़क जाओगे, उड़ जाओगे उड़ बाइक से। ज्यादा हवाबाजी मत करो, आ रही है बात समझ में? हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। ये बात, ये समझदार इंसान की पहचान होती है। नाइस, सेफ ड्राइव। तो भाई ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और आई थिंक 400 का भाई काम हुआ अभी तक, मतलब सुबह से मैं लगा हुआ हूँ धनाधन ऑर्डर इधर से उधर ले जाने में, तो 400 रुपये का काम हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ एक ऑर्डर रिसीव कर लेता हूँ भाई, उसके बाद में अपन लोग चलेंगे भाई घर और फिर शाम को आएंगे भाई, क्योंकि भाई धूप हो रही है बहुत भयंकर वाली। वैसे मैं धूप में करता हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई खाने का ना सीन हो रखा, मतलब खाना भी खाना है और मैं सुबह नहाकर भी नहीं आता, यूँ ही आ गया था। और गर्मी में आप लोगों को पता भाई कंडीशन किस तरीके की हो जाती है, तो इसीलिए भाई अभी मैं क्या करता हूँ एक ऑर्डर ले लेते हैं, उसके बाद भाई उसे देकर सीधे निकल जाएंगे भाई घर की तरफ। और 5 घंटा 56 मिनट भाई लॉगिन भी हो चुकी है आईडी, मतलब 5 घंटे 56 मिनट आईडी लॉगिन रही, 426 का काम रहा। और अभी भाई एक और ऑर्डर लेंगे हम लोग, देन उसके बाद भाई घर की तरफ निकलेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों। तो भाई लोगों मैं घर पे रेस्ट करके भाई दोबारा जा रहा हूँ भाई ऑफिस की तरफ, क्योंकि भाई 4:30 बज गए, 5 बजे मेरा वहाँ पहुँचने का प्लान था, तो मैंने सोचा 4:30 बजे निकलते तो 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा समथिंग लग जाता ऑफिस तक पहुँचने में, और भाई रात को 12 बजे तक काम करना हम लोगों को। वैसे भी शाम के टाइम थोड़ी धूप हल्की, अदरवाइज भाई दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। चलो भाई आईडी लॉगिन करते हैं, स्कैन हो गया। और देखो सुबह जो मेरा काम हुआ था ना वो 480 रुपये का हुआ था, और पहला टारगेट भाई 700 पर है। ये देखो 475 दिखा रहा है, इसमें 700 पहले टूटे, 900 पर दूसरा, 1100 पर तीसरा और 1300 पर चौथा। 15 मिनट वेट करने के बाद हमारा नंबर आया भाई ऑर्डर का, तो चलते हैं देते हैं भाई कस्टमर को। और कस्टमर ने छोटा सा ऑर्डर मंगाया भाई। ओके थैंक यू। सो भाई लोगों पहला ऑर्डर कंप्लीट। थैंक यू। जी लीजिए, थैंक यू। तो भाई अभी समय हो रहा भाई 8:04 और भाई एक टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया, 775 का भाई मैंने काम कर दिया यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो अभी भाई एक लॉक टूटा है और मेरा टारगेट रहेगा भाई 3 लॉक तोड़ने का रात के 12 बजे तक। तो फटाफट जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से भाई रात को ही मिलते हैं। क्या क्या फिर से करना जरा है? फिर से करो, फिर से एक बार वो वीडियो चले हुए, चले हुए वीडियो। अब करो ना। नहीं, करो भाई, कितने खुश हो रहे हैं ये लोग भयंकर कैमरा देख देख कर। हाँ चालू है, दिख रहे हो ना कैमरा चालू है। कैमरे के सामने क्या ना करते ये लोग, एक्टिंग बाजी, मीम बन जाता है ना, मीम बन जाता है। तो भाई ये लोग एक्टिंग कर रहे थे और भयंकर वाली, मैंने जैसे कैमरा ऑन किया सारे शांत। जी हाँ, सेकंड राइट फर्स्ट राइट, क्या लिख रहा है उसके सामने? तो भैया देहरादून में ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ हैं कि भाई जहाँ पर एंट्री में भाई बहुत दिक्कत होती है, तो 10 मिनट में भाई मेरी एंट्री हुई यहाँ पर। जी नीचे हाथ लगा लीजिएगा, कहा कहते ना 41 रुपये 5 किलोमीटर के भाई, आउट करवा दीजिए गार्ड साहब। जाऊँ? थैंक यू। देहरादून के अंदर भाई ऐसी ऐसी सोसाइटी हैं जिनमें भाई पास बनवा के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है भाई, पास बना के दिया था बाकायदा तरीके से कंप्यूटर से। बाकी ठीक है यार, जो भी है अपने 10-15 मिनट खराब हो गए भाई यहाँ पर पास पास के चक्कर में। ऐसे ऑर्डर ना ही आए तो ही ठीक है भाई, क्योंकि इतनी देर में एक ऑर्डर, इससे अच्छा कि हम कहीं पर 2 ऑर्डर कर लें अपने। बहुत सिर दर्द है भाई, बहुत सिर दर्द है यार काम करने में। मैंने B1508 नहीं बताया आपको यार? मैंने बोला B1508, तुमने बोला जाओ। अरे तू आवाज कहाँ तक आई यार? मैंने बोला मैंने आपको फोन चलाने से फुर्सत हो तभी ना। अरे फोन तो अभी निकाला भाई, कैमरे में रिकॉर्डिंग देख ले, अपनी फालतू की बकवास कर रहा है, अपनी फालतू की बकवास कर रहा है। बकवास? हाँ। किस तरीके से बात कर रहे हो आप? कैसे किस तरीके से बात? नहीं, किस तरीके से बात कर रहे हो? मैंने 508 बोला उधर जाने। क्या बोला आपने? क्या मैंने बोला? आपने बोलने के लिए। मैंने एक सेकंड मैंने तो भाई मेरे सुन, भाई मेरे सुन, मैंने बोला B1508, आपने बोला जाओ। बोला या नहीं बोला ये बताओ? कब बोला? अभी बोला।
मुझे B2 सुनाई दिया इस हेलमेट से। अब यार कैसी बात कर रहा है तू, मेरी बात सुन। और फिर मैं उसमें जाऊंगा मेरे को मजा आ रहा जाता है। तो भाई तेरे से पूछा मैंने, तू भयंकर एक तो बता ना रहा यार। क्यों नहीं बता रहा तू, हेलमेट तू उतार दे एक बार यार। हेलमेट क्यों उतारूं मैं, हेलमेट तो सुनाई तभी तो साथ देगा। अरे भाई तो ये बात तू पहले भी तो बोल सकता था। तो मैंने सोचा B2 में जाएगा। मैंने क्या बोला प्यार से, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। मैंने बोला B1 508, तूने मेरे से क्या बोला कि जाओ चले जाओ। मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। जब सुनाई नहीं देता ऐसे कैसे भेज सकते हो यार तुम किसी को भी। उधर चले जा भाई, उधर है, वहाँ है, चले जाओ उधर। तुम्हें फोन चलाने से फुर्सत ना होती, भयंकर दूसरा बंदा परेशान घूमता रहे चाहे सोसाइटी के अंदर। रात का टाइम है, देख पहले उधर चला जा, इधर चला जा, ज्ञान फैल रहा ज्यादा। हाँ यार भयंकर पूछ के गया बंदे से, बोल रहा कि जा। अब कह रहा सुनाई ना दी, हद है बिल्कुल यार। पूछा भाई B1 508, उसके बाद भी बोल रहा कि ठीक है जाओ। जब भाई वो नहीं है तो मना कर दो, ये नहीं अगला। गार्ड साहब B1 508, ठीक है थैंक यू, ले लीजिए मैम, थैंक यू, चेक कर लीजिए मैम एक बार, थैंक यू। तो भाई ये एक दिन की कहानी नहीं है, कोई ना कोई गार्ड भयंकर पूरा दिमाग खराब कर देता पूरे दिन की। भाई इतने अच्छे चल रहा होता पूरा दिन, भयंकर दिमाग खराब। अब मैं उस गार्ड से पूछ के गया कि B1 508, तो उसने बोला जाओ, लगा हुआ फ़ोन में था, सही से बात सुनी नहीं, बस जाओ इस तरीके से सुने, बोल दे मैं चला गया। अब आके मेरे से भयंकर उल्टा बोल रहा, हद है यार। तो भैया हमारा ये लास्ट ऑर्डर आज किशनपुर जाखन, यहीं का आसपास का ही है। पकड़ा दूँ ये लीजिए, वेलकम। सो भाई लोगों यार आज का दिन ना बहुत ज़्यादा थकान भरा था। अभी फिलहाल मैं घर पर आ चुका हूँ और आए हुए भाई एक घंटा होगा, क्योंकि एक घंटे मैंने खाना भी खाया और आराम से थोड़ी देर रिलैक्स किया, तब जाके थोड़ी सुकून की सांस आई है। तो भाई आज का जो काम था मेरा वो 1202 रुपये का था, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 700 पर पहला लॉक टूटता जिसमें 100 रुपये मिलते हैं, 900 पर दूसरा जिसमें 200 मिलते हैं, और 1100 पर तीसरा, और 1300 पर चौथा। तो मेरा 1100 और 1300 के बीच का काम हुआ था जिसमें मुझे 300 रुपये का इंसेंटिव मिला, तो टोटल काम हुआ मेरा 1502 रुपये का। भाई बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बाकी मिलता हूँ भाई कल आप लोगों से। ये वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय फ्रॉम देहरादून। भाई मेहनत चल रही है यार आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।